हेलो दोस्तों, नमस्कार। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल नागेंद्र राजभर। आज हम बात करने वाले हैं वॉशिंग मशीन के बारे में। तो देख सकते हो, आज हम रिपेयर करने के लिए आए हैं एक वॉशिंग मशीन। जो तो देख सकते दोस्तों, जिस भाई का मशीन है उन्होंने बता रहा था कि जो हम लोग कपड़ा सफाई करते हैं वो मोटर जो चल रहा है, लेकिन जिसमें हम लोग कपड़ा सुखाते हैं, ड्राई करते हैं, वो जो मोटर है नहीं चल रहा है, मतलब ड्राई नहीं कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम लोग पीछे का कवर खोल के चेक कर लेते हैं कि हमारा जो वायर है चूहा वो तो नहीं काट लिया। ठीक है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से हम लोग स्क्रू है, स्क्रू को हम लोग ओपन करेंगे और ओपन करके चेक करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देख सकते हमने जो है कवर पीछे का खोल लिया है और वायर भी चेक करा है दोस्तों। तो वायर अभी हमारा दोस्तों जो है वायर है बराबर है, किधर भी कटिंग नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो कुछ इस प्रकार से हमारा जो है इसका जो टाइमर है चल रहा है। ठीक है दोस्तों, टाइमर चल रहा है। तो चलते हैं दोस्तों, हम लोग जो कपड़ा सफाई करता है उस मोटर को हम लोग चालू करके चेक कर लेते हैं कि चल रहा है कि नहीं। तो देख सकते हो, जो हम लोग कपड़ा सफाई करते हैं वो देख सकते हो आप लोग, मोटर जो है चल रहा है, लेकिन जो हम लोग ड्राई करते हैं, कपड़ा सुखाते हैं, वो वाला जो मोटर है नहीं चल रहा है। तो चलते हैं हम लोग कुछ इस प्रकार से चेक कर लेते हैं दोस्तों। दोस्तों हमारा जो कपड़ा ड्राई करता है, सुखाता है, उसके ऊपर ढक्कन होता है, ढक्कन के अंदर स्विच रहता है। देख सकते हो आप लोग, ये स्विच है, ये स्विच को ढक्कन जब हम लोग बंद करेंगे तो इस स्विच से टच होएगा, टच होएगा तो हमारा जो है ड्राइव फिल्टर का जो मोटर है वो मोटर जो है रनिंग करेगा, चलने लगेगा। तो कुछ इस प्रकार से हमारा जो स्विच है, ये स्विच का ऊपर देख सकते हो आप लोग प्लास्टिक हट गया, तो ये काम नहीं कर रहा, ख़राब हो गया। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग को चेक करना चाहिए। तो देख सकते हो, हमने दूसरा मशीन का हम लोग वीडियो देखा है, तो कुछ इस प्रकार से ही इधर स्विच लगा, देख सकते हो आप लोग। तो ये दोनों वायर को हम लोग को निकाल के लूप कर देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो लूप करके हम लोग देखते हैं कि हमारा जो मोटर है ड्राइव फिल्टर का, ड्राइल का, वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो कुछ इस प्रकार से हमने वायर, दोनों वायर को टच करके टेप मार के चेक करेंगे कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। नहीं चलेगा तो दूसरा हम लोग फॉल्ट जो है चेक करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कुछ इस प्रकार से हम लोग टच कर दिया दोस्तों। हमारा जो टाइमर था वो टाइमर रनिंग कर रहा था, इसकी वजह से हमको थोड़ा डाउट लगा, इसकी वजह से हम लोग इसको टच करके चेक कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हम लोग, जैसे जैसे हमने वॉशिंग मशीन को खोला था वैसे हम लोग चलते फिटिंग कर देते हैं। फिटिंग करने के बाद देख सकते हो आप लोग, फिटिंग कर दिए हैं और चलते हैं। इसका जो धीरे धीरे से स्क्रू हमने खोला था, डिस्कनेक्ट किया था, स्क्रू भी हम लोग बराबर से लगा के फिर दोबारा से इसको चेक करते हैं कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से हम लोग करते हैं दोस्तों। एक स्टेप बाय स्टेप अगर हम नहीं चल रहा है तो हम लोग कैपेसिटर भी चेंज कर चेक करना चाहिए। अगर हमारा कैपेसिटर ख़राब होता है दोस्तों, तो एक ही कैपेसिटर दोनों मोटर का है, अगर कैपेसिटर ख़राब हो जाएगा तो दोनों मोटर नहीं रनिंग करेगा। तो दोस्तों हमने पावर जो है लगा दिया है और चलते हैं चालू करके कि चालू करके देखते हैं चालू हो रहा है कि नहीं। देख सकते हो हमने चालू कर दिया है टाइमर को और चलते हैं चेक करते हैं चल रहा है कि नहीं। तो देख सकते हो हमारा जो ड्रायल कपड़ा सुखाने वाला होता है अभी चालू हो गया। ठीक है दोस्तों, तो कुछ इस प्रकार से हमारा जो दूसरा कुछ फॉल्ट नहीं था, हमारा बस स्विच का ही प्रॉब्लम था दोस्तों। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक।